जय गुरु जी। तो गाइस ऐसा सीन था कुछ, कल फिर हम शाम को मतलब यूं लगा लो 7-1 बजे के आसपास फ्री हुए, उसका थक गए थे गाइस, हम सुबह के गए थे 9 बजे के, और अर्पिता और मैं जा रहे हैं मासी के घर। तो आज अर्पिता चले, और ये थी हमारी दोनों, एक एक्टिवा एक बाइक। और गाइस अपना मासी भाई कैमरों में देख कर सही टाइम पास करती रहती हैं, ये जा रहे हैं अंकल काम पर, बाय अंकल कैमरों में सही। ये अगर हम गाड़ी वगैरह पे उतरे ना तो यूँ लगा लो 30-1 मिनट ही लगते हैं। एक्टिव यार 100 पे जाती नहीं ना गाड़ी, तो 100-120 आराम से चलती है। तो लो गाइस आप भी खा लो अपना ब्रेड समोसा भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन कौन ऐसे ऐसे खाता है, मतलब हम तो सारे ऐसे ही खाते हैं भाई, हमको बड़ा टेस्टी लगता है। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अर्पिता को ब्लॉग विद अदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग गाइस, आई होप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मजे में होंगे। बढ़िया गाइस, अपना खुश रहना चाहिए और मजे में रहना चाहिए। तो गाइस अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, और अभी का सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि जिस तरह मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि आपको सुबह पार्क लेके चलूंगा, तो गाइस पार्क वगैरह ना मैं खुद गया ना मैं आपको ले जा पाया, क्योंकि गाइस आज है हमारा डे 3, नानी के घर पे डे 3 है। डे 1 वाला ब्लॉग आपने कल देख लिया होगा, डे 2 पे मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, और डे 3 क्योंकि ये ब्लॉग गाइस मैं रोहतक जाके अपलोड करने वाला हूँ, तो आपको सीधी कंटिन्यूटी में दिखेंगे इसीलिए। तो कल गाइस जो डे 2 था वो हम थे सारा दिन पापा और मैं बिजी इलेक्शन में। अब आपको अगर तू झूठ बोल रहा है, तू तेरा ब्लॉग बनाने का दिल नहीं होगा जब भी तूने नहीं बनाया। तो गाइस आप एक क्लिप देख लो, मैंने वहाँ पे 8-9 सेकंड की क्लिप बना ली थी कि हम इलेक्शन में गाइस, वो एक भैया है हमारे पारस भैया, तो वो इलेक्शनों में खड़े हुए थे, तो उनके बूथ पर ड्यूटी थी, तो वहाँ पर आपको दिखाता हूँ देखो। तो हाँ जी भाई देख ली, हो गया यकीन। तो गाइस बस ऐसा सीन था कुछ, कल फिर हम शाम को मतलब यूँ लगा लो 7-1 बजे के आसपास फ्री हुए, उसका थक गए थे गाइस, हम सुबह के गए थे 9 बजे के, फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, तो मैं सुबह कंटिन्यू करूँगा। बस अभी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं अपना गाइस रोहतक के लिए, आज हम सुबह सुबह निकल जाएंगे रोहतक के लिए गाइस। तो गाइस ये रहा अपना ब्रेकफास्ट, चपाती राजमा पकौड़ियाँ, और पापा और मैं इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हो। तो गाइस अभी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है, और अंदर देखो मम्मा कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट, पापा ने भी कर लिया, सबने कर लिया भाई, पापा अपने जाने की तैयारी में है। गाइस पापा जा रहे हैं अभी नानी का कोई सामान लेने, और अर्पिता और मैं जा रहे हैं मासी के घर। तो आज अर्पिता चले, और ये थी हमारी दोनों, एक एक्टिवा एक बाइक, हम बाइक लेके जा रहे हैं, आ जा। तो गाइस हम मासी के घर पहुँच चुके हैं, ये बैठी अर्पिता, ये रहा आपका भाई, और ये जी मासी। हेलो मासी, ठीक हो हैं? ये रहा आपका भाई, मासी मेरा डायलॉग दे रही है, ये रहा आपका भाई, ठीक हो? बढ़िया। और गाइस अपना मासी भाई कैमरों में देख कर सही टाइम पास करती रहती हैं, ये जा रहे हैं अंकल काम पर, बाय अंकल कैमरों में सही। बस गाइस अभी हम भी चलते हैं और थोड़ी देर मासी घर बैठ के अपना, गाइस आज हम वापस जा रहे हैं रोहतक, तो अभी बस बैठे हैं मासी के पास, फिर घर जाएंगे, फिर पापा भी इतने काम करके आ जाएंगे जो काम करने गए हैं नानी के घर का, फिर अपना चल पड़ेंगे रोहतक के लिए वापस। तो अभी गाइस हम मासी के घर से नानी के घर आ चुके हैं, और इधर देखो भाई अपने जाने की तैयारी हो रही है अब, तो ठीक है नाना जी बाय बाय। नाना जी ने गाइस पोज बना लिया था अपना पूरा, ऐ क्या बात है, बाय बाय। तो आज पापा चले, ठीक है नानी माँ बाय बाय, खैर पुना ठीक है बाय, ध्यान रखना अपना, ठीक है कोई भी चीज़ चाहिए ना मेरे को बता देना, मैं रोहतक से देने आ जाऊँगा, ठीक है बाय बाय, आ जाओ मम्मा। तो गाइस अभी बस निकलते हैं और मिलते हैं आपसे हाईवे पहुँच के, बोलूंगा नहीं सिद्धि आपको सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ हाईवे के। अब तो हाँ जी भाई वापस अपने घर पे पहुंच चुके हैं हम, और गाइस लगभग ना यूँ लगा लो 50 मिनट लग गए, वहाँ से हम चले थे 11 बजे और 11:50 पर रोहतक थे। ये अगर हम गाड़ी वगैरह पे उतरे ना तो यूँ लगा लो 30-1 मिनट ही लगते हैं। एक्टिव यार 100 पे जाती नहीं ना गाड़ी, तो 100-120 आराम से चलती है, बट वो भी तेज़ होती है, 70-80 नॉर्मल स्पीड होती है। और इधर अर्पिता को देखो घर पर आती भाई अपना लैपटॉप चलाने बैठ गया, हाँ तू कहने की बात होती है। हाँ भाई इसकी तो यार हॉलीडे ऐसे ही बीत गई, मतलब इस बार वो वाली हॉलीडे वाली फीलिंग है ना अर्पिता,
जैसे पहले आती थी हमें बचपन में, हॉलीडे होगी हॉलीडे होगी। तो कोई नहीं गाइस, हाँ तो कोई नहीं गाइस, अभी थोड़ी देर बैठे हैं अपना रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक दुकान में वो निपटते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है गाइस। तो अभी गाइस अपना दोपहर के 3 बज चुके हैं और इधर आपके भाई ने गाइस एक व्लॉग एडिट कर दिया और अपना इसकी फाइल अभी रेंडर हो रही है, फिर उसके बाद इसको अपलोडिंग पे लगा देंगे, 4 बजे तक ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद जो ये वाला व्लॉग आप देख रहे हो, इसकी एडिटिंग करनी है, फिर आप जब भी तो देख पाओगे ना। और बाकी गाइस अभी ना मतलब दोपहर को कुछ खाने में समझ नहीं आ रहा कि लंच में क्या खाएं, तो मैंने तो पापा से भाई ब्रेड समोसा मंगवा लिया, तो इधर तो फुल पार्टी चल रही है इनकी, मेरा दे दो और सॉस दे दो साथ में। तो लो भाइयों आप भी खा लो, हाँ एक ब्रेड ऊपर रख दो। तो लो गाइस आप भी खा लो अपना ब्रेड समोसा, भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कौन कौन ऐसे ऐसे खाता है, मतलब हम तो सारे ऐसे ही खाते हैं भाई, हमको बड़ा टेस्टी लगता है। इसको अभी दबाना भी है गाइस, फ़ोन है एक हाथ में दबा नहीं पा रहा, तो अभी खा लेता हूँ, उसके बाद ट्यूशन जाना है, फिर अपना ट्यूशन से आके मिलूंगा गाइस आपसे, ठीक है। तो अभी गाइस अपना शाम के 7 बज चुके हैं और गाइस मैं अभी अभी अपना ट्यूशन से फ्री हुआ हूँ, फ्री होते साथ ही गाइस कॉलेज से मैसेज आ गया कि भाई तुम्हारे प्रैक्टिकल है, लो अब भाई प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी पड़ेगी, तो फटाफट से चलते हैं और अपना प्रैक्टिकल की फाइल लेकर आते हैं, आ जाओ गाइस चलें। तो गाइस अभी मैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल लेकर घर पर आ चुका हूँ और ना अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो अभी गाइस मैं फाइल लेके घर पे भी आ चुका हूँ और मतलब पता है क्या हुआ, वहाँ पे ना पता नहीं कैमरा वर्क ही नहीं कर रहा था, व्लॉगिंग करने लगा बट देखा मैंने क्लिप बनी नहीं रही, क्या वो कुछ हो सकता है कि मतलब जिस तरह दो व्लॉग मैंने बना कर रख रखे हैं ना उनमें भी लैग हो रहा हो कैमरा। फिर अभी घर के बाहर आके मैंने कहा शायद ट्राई करता हूँ तो बन गई, बाकी यह वाली फाइल लेकर आनी थी गाइस मैं ले आया हूँ और अभी बस इसको कल बनाएंगे, आज तो नहीं, और अभी बाहर जाते हैं थोड़ा सा वैसे ही दोस्तों से मिलकर आते हैं। तो गाइज अभी ना बहुत गंदे वाला स्कैम हो गया, स्कैम क्या गाइज, ये प्रैक्टिकल फाइल लेने जाने से पहले मैंने पापा को कॉल किया कि पापा मेरे को एक्टिव दे दो, मेरे को ना फाइल लेने जाना है। पापा कहते हैं कि ना मेरे को बता दे कौन सी फाइल है, मैं ही ले आता हूँ जाके। मैंने पापा को बताया, मैं पापा बट मेरा ना व्लॉग नहीं बना हुआ, 3-4 मिनट का ही बना हुआ है, तो मुझे जान दो मैं व्लॉग बना लूँगा। पापा कहते हैं बाइक लेके चला जा, और मैं बाइक लेके गया, वहाँ पर कैमरा काम नहीं किया, इतना गंदे वाला गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है अर्पिता पर निकाल दूँ बट ना अर्पिता पर निकालने का दिल नहीं है मेरा, पता क्यों, क्योंकि मेरे को फाइल अर्पिता से बनवानी है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो इसी कारण ठीक है अर्पिता, प्यारा बच्चा तू तुम्हारा है ना। तो कोई नहीं गाइस, हाँ अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, अरे गाइस मजाक कर रहा हूँ, फाइल बनवानी है, इधर दिख गया मुझे। ओह यार बना दियो यार, मैं नहीं बना पाऊंगा प्लीज। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन सा बड़ा भाई अपने छोटे भाई बहनों से बनवाता है, प्लीज बता के जरूर जाना, ठीक है। और अभी गाइस अपने मम्मी पापा चले गए अभी मंदिर, और ना गाइस आप मेरे को एक चीज जरूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में, मतलब मेरे को ना अभी आइडियाज नहीं आ रहे प्रैंक से रिलेटेड, तो आप बताओ भाई आपको कैसा प्रैंक चाहिए, किस टाइप का चाहिए और किस पर चाहिए, मम्मा पे पापा पे या बहन पे, प्लीज जरूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में अपना आइडियाज, क्योंकि यार मतलब पता चल जाएगा ना मुझे कि आपको किस टाइप के प्रैंक्स चाहिए, फिर उस टाइप के प्रैंक्स आपका भाई करेगा, ठीक है। और बस ये भी बताना कि इस व्लॉग में कौन सा पार्ट आपको बढ़िया लगा, क्योंकि ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वाला व्लॉग बढ़िया लगा होगा, अगर बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो भी मेरा भाई चैनल के ऊपर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर भी आके फॉलो कर लिया करो यार, साथ के साथ अपडेट मिलती रहती है, जो व्लॉग अगर 2-3 दिन लेट आता है ना तो वो पहले ही इंस्टाग्राम पर उसके एक आधे शॉर्ट में मतलब ऐसे क्लिप ऐड कर देता हूँ कि भाई आपका भाई यहाँ पे है, ठीक है गाइस बाय।